प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। दामन का है साथ सात वचन और फेरे साथ चोली दामन का है साथ सात वचन और फेरे साथ खुशियों की लाए बरसात सात वचन और फेरे साथ जिस्म और जान होए जीने का अरमान होए फिर कोई तूफान भी आए घर गृहस्थी को तोड़ न पाए ये बंधन है एक सौगात सात वचन और फेरे साथ ये है ख्वाब सुनहरे सात वचन और साथ दस साल हो गए मैं मुंबई आए लेकिन आज तक ना तो तुम्हारे हाथों का देसी नाश्ता बदला है और ना ही तुम बदली हो। वक्त ने भले ही हमारी जगह बदल दी हो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी पहचान भी भूल जाएंगे। बहुत ही सुंदर बहुत प्यारा है। माता रानी दी सौ कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। भावना अपने शैतानी दिमाग को जगा। डिटेल्स है कौन सा कंपनी को कितना माल सप्लाई किया और मिस्टर पीटर जब आपने ये फाइल चेक कर ली तो मुझे ये फाइल चेक करने की कोई जरूरत नहीं। जब से आपने हमारी कंपनी ज्वाइन की है तब से मुझे आपकी काबिलियत पर कभी भी शक नहीं हुआ। आपने सच्ची मेहनत और लगन से इस कंपनी को अपनी कंपनी समझ के काम किया है। Very kind, sir. May I take your leave, sir? Yeah, please. Hello. अरे नितिन. Hey, वीरेंद्र. कैसे हो तुम? घर में सब कुशल मंगल तो है ना? यहाँ सब ठीक है. शिखा भाभी और आराधना कैसी है? सब अच्छे हैं वीरेंद्र. अच्छा हाँ. तुमने जो डिजाइन्स भेजे थे, वो मेरे क्लाइंट्स को पसंद आ गए. Good, good, good. एक बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है हम लोगों को. Good news. और हाँ, एक नई कंपनी को बेबी फ्रॉक्स के नए डिजाइन्स भेजने हैं वीरेंद्र. शिवम ने डिजाइनर से कुछ नए डिजाइन तैयार करवाए हैं. मैं शिवम से बात करता हूँ. वेरी गुड वेरी गुड. हाँ ये बताओ कि भाभी कैसी है और अच्छी खबर कब सुना रहे दोस्त? बहुत जल्दी मुंबई आने की तैयारी कर लो. भाभी और आराधना को देखकर अरसा बीत गया है. देखो इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा. ओके वीरेंद्र मैं तो उतावला हो रहा हूँ कि कब तुम अच्छी खबर दोगे और कब मैं उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा फोन रखता हूँ. ओके बाय बाय. अपनी जन्मभूमि अपनी होती है. मेरा शरीर यहां पे लेकिन आत्मा वहीं अपनों के पास दिल्ली में है. आ,
दीवाना बिन सजना के माने ना। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तुम लोगों को जाकर। हम हनुमान जी के भक्त हैं, लड़की हमका छुए बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बता देते हैं। कितनी बार बोले टच मत किया कर। तुम पसंद हो ना? अरे पसंद पसंद गई भाड़ में है? जानती नहीं आज शनिवार हनुमान जी का दिन है। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं मैम, सबको मिट्टी साफ कर रहे थे। माता रानी दी सो, वो तो पता चल ही रहा है कि क्या कर रही हो, मिट्टी साफ कर रही हो, कामचोर। एकरा को समझाइए, हमका हमेशा परेशान करती रहती है, ऐसे टच कर देती है हमका जब देखो तब, हमका अच्छा नहीं लगता है। अरे माता जी, अरे अरे संभालिए, काहे गिर रही हैं? तुझे कितनी बार कहा है सर का फोचा मत लगाया कर, लेकिन तेरे दिमाग में बात बैठती ही कहा है। ओ मैम सब मैं भूल गई थी। अरे गलती क्या हो गई? एकरा को जानते नहीं आप लोग? इसके दिमाग में तो मोहब्बत का चश्मा चढ़ा है, ऐसे नहीं समझेगी इसको तो। तेरा ये भुलक्कड़पन हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता था। जब मुझसे गलती हो गई माफ कर दीजिए। हे भगवान, अगर मेरी जगह मेरी प्रतिभा होती तो न जाने क्या होता। ये तो नंबर वन की पागल है, कुछ नहीं समझती है, लेकिन आप चिंता जीत कीजिए, हम एकरा को समझा दें। माता रानी दिसो, समझदार को तो इशारा काफी है, भावना सोच ले, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए। साथ वचन और साथ रे। जी भाभी को कुछ नहीं होगा, फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। तीर तो चलाया है मैंने, बस देखना ये बाकी है कि तीर निशाने पे लगा या चुका। बेटा प्रतिभा कैसी है? पता नहीं बेटा, ये सब कैसे हो गया? माता रानी जी सो, भाभी तो बेहोश हो गई जी,
डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे हैं। लेकिन अचानक कैसे हुआ? पता नहीं जी, सब क्या हो गया? हमने तो उनकी चीख सुनी, उनकी हालत देखकर हमारे तो होश ही उड़ गए। मेरी बच्ची। हौसला रखिए भाभी, हमारा भगवान है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। अब प्रतिभा कैसी है? उनकी हालत ठीक नहीं है, उनका ऑपरेशन करना होगा। लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर? माँ और बच्चे में से एक को ही बचाया जा सकता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? लेकिन डॉक्टर, मुझे बहू और बच्चा दोनों चाहिए। डॉक्टर, मुझे दोनों चाहिए। डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं, मुझे दोनों चाहिए। हम भगवान तो नहीं है, हम भगवान के बंदे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं माँ और बच्चा दोनों बचे। जल्दी चलिए, पेशेंट की डूब रही है। माता रानी जी, तो क्लाइमेक्स में ये कैसा ट्विस्ट आ गया? प्रतिभा का पति कौन है? जी मैं हूँ सिस्टर। आपको काउंटर्स पे कुछ पेपर साइन करने होंगे और कुछ 50,000 रुपये भी फॉरन जमा करने पड़ेंगे। ठीक। भैया बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, मैं पैसे जमा करा जाता हूँ। वाह रे राम के भैया लखन। मेरी बहू और बच्चे की रक्षा करना, उस बिचारी का क्या दोष? उसने क्या बिगाड़ा है? उसने तो किसी का कुछ बुरा चाहा ही नहीं, ना कुछ बुरा सोचा। मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति, मेरे विश्वास की लाज रखना प्रभु, मेरे विश्वास की लाज रखना। बधाई हो, आपकी पत्नी खतरे से बाहर है। और बच्चा डॉक्टर? माँ और बच्चा दोनों तंदुरुस्त हैं। डॉक्टर, मैं अंदर जा सकती हूँ? जी थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद। लड्डू मंगवाई है भाभी, लड्डू। शिवम, पूरे 10 किलो देसी घी के लड्डू ला और पूरे अस्पताल में बांट और सबको मीठा मुंह करा। मेरी पोती हुई है, पोती। माजी मैं अभी लाया। देखा भाभी, मैंने कहता था हमारे साथ भगवान है, प्रतिभा को कुछ नहीं होगा। बधाई हो माजी, बख्शीश ना देंगे? सब्र कर, तुझे बहुत बख्शीश मिलेगी। अस्पताल में बरसों हो गए काम करते हुए, लेकिन पहली दादी देखी है जो पोती के जन्म के लिए इतनी खुशियां मना रही है। बेटी तो घर की रौनक होती है, लक्ष्मी का वास होता है।
मेरे लिए तो लड़के से बढ़कर लड़की है। दे बख्शीश, खुश रहो। शुक्रिया। ये बुढ़िया तो पागल हो गई है, सोने की चेन बख्शीश में दे दी। माता रानी जी सो, ये बुढ़िया तो खुशी में सारी दौलत लुटा कर ही दम लेगी। हेलो, हाय वीरेंद्र, हाउ आर यू? क्या बात कर रहा है? सच यार, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है यार, घर में लक्ष्मी आ गई, इसका मतलब बेटी पैदा हुई है। That's a good news यार, very good news। अब बेवकूफी वाली बातें कर रहा है, हम लोग क्यों नहीं आएंगे दिल्ली? जरूर आएंगे उसके लिए। God bless you यार, bye। बहुत ही अच्छी खबर है, वीरेंद्र के घर लड़की पैदा हुई है, लक्ष्मी आ गई है उसके घर पे। दो लड़के तो पहले से ही थे, अब लड़की भी आ गई है, कितनी खुशी की खबर है ना। शिखा, तकदीर पे तो किसी का जोर नहीं चलता, क्या करें? हमारी तकदीर में औलाद का सुख है ही नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। न जाने कौन से पाप किए थे मैंने, मुझ बदनसीब की जिंदगी में एक बार बाहर आई भी, लेकिन तूफान का वो झोंका आया जो सब कुछ लूट कर ले गया। शिखा, एक रिक्वेस्ट है तुमसे, अतीत को भूल जाओ। मैंने तो अपने दिल को समझा लिया, तुम भी अपने दिल को समझा लो। कैसे समझा लो? वो औरत क्या करे जिसे मां बनने की आरज़ू दिन रात का कचोटती रहे। मैं भी बच्चे की आवाज सुनना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि हमारे घर में, हमारे आंगन में बच्चे की किलकारियां सुन रही थी। इस घर की चार दीवारियां मुझे कांपते हुए धड़कती है, हर समय मन करता है कि कहीं एक कोने से बच्चे की आवाज सुनाई दी जाए। मैं बच्चे के बिना अधूरी हूं, आप भी अधूरे हैं, हमारा पूरा परिवार अधूरा है नितिन। शिखा, तुम्हारे दुख का कारण मैं, सिर्फ और सिर्फ मैं। अगर मैंने उस दिन अपनी मां की बात मान ली होती तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। आप अपने आप को दोष मत दीजिए, होनी तो होकर ही रहती है। छोड़िए, मैं भी कहा अपनी चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। मैं भी कहा खुशी के मौके पर ये सब बातें लेकर बैठ गई। शिखा, बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा। मुस्कुराकर गम छुपाना जो है, जैसा भी है।
कौन सा तरीका है खुशी मनाने का भाई? सोने की चेन, सोने की अंगूठी बख्शिश में दी जा रही है, देसी घी के लड्डू बटवा रही है ये बुढ़िया ना सठिया रही है। ये बुढ़िया अपने होश खो बैठी है। हाँ क्या बात है, पारा क्यों चढ़ा हुआ है? आप तो चुपी रहिए। हाँ ओके कूल। अरे मैडम मैं तो बस ये कह रहा था कि 11 बज चुके हैं, बच्चे सो गए और तुम अभी तक मॉर्निंग वॉक कर रही हो, सोता नहीं? मेरी नींद तो आपकी माँ ने उड़ा रखी है। माँ ने क्या किया? क्या नहीं किया, पोती की आने की खुशी में पैसे पानी की तरह बहा रही है वो। अरे तो खुशी की बात है ना, खुशी की बात। लो माता रानी दी सो, ये खुशी की बात है? अजी बेटियां ना धन लेके आती नहीं है, धन लेके जाती है, पर माँ जी को कौन समझाए? बेटों की कमाई इस तरह पानी में बहाना अच्छी बात है? आप ही बताइए। जब बेटों को कोई परेशानी नहीं है तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और बस भगवान के लिए माँ से इस बारे में कोई बात मत करना, पता नहीं दिन भर के अनाप शराप अपने मन में सोचती रहती हो। हाँ हाँ दिन भर अनाप शराप सोचती रहती हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। माता रानी दी सो, राम के इस लखन के कान पर तो चू नहीं रहती। भावना तुझे ही उड़ान भरती बुढ़ी चिड़िया के पर कतरने होंगे। तूफान भी आए घर गृहस्थी को तोड़ न पाए। ये बंधन है एक सवार, सात वचन और फेरे सात, ये है ख्वाब सुनहरे, सात वचन और